नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, आज से शुरुआत हुई है और ये सत्र स्थगित होने के बाद तमाम नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत की। इसी के दौरान कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बार फिर से भाजपा को चैलेंज किया कि वो पूरे देश में जातीय सर्वे को लेकर लगातार भाजपा बिहार सरकार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही थी, आरोप लगा रही थी, जिसको लेकर शकील अहमद ने कहा है कि केंद्र में भाजपा की ही सरकार है तो वो क्यों नहीं पूरे देश में ये जातीय सर्वे खुद ही करा लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं का इस सत्र में जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने को हम तैयार हैं। क्या कुछ कहते नजर आए शकील अहमद, हम आपको पहले सुनाते हैं। जी, और यहाँ रणनीति है आपकी, क्योंकि विपक्ष भी अपनी रणनीति नहीं है। विपक्ष के लोग स्पीकर साहब ने बुला करके बात की थी, हम लोगों ने कहा कि हम तत्पर भी हैं, तैयार भी हैं, बिहार सरकार पूरे सवालों का जवाब तथ्य के आधार पर देना चाहती है और देगी। तथ्यहीन आधार अगर वो खड़ा कर रहे हैं तो उसका भी जवाब उनको यहाँ मिलेगा। और उनसे ये आग्रह किया गया है कि जनता का जो प्रश्न होता है प्रश्नकाल उसको सुने, क्योंकि उसमें जनता का लाभ होता है। अगर उनको जनता के सेवा में यकीन है तो सदन को अच्छे से चलाएंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। हमारे भाजपा के भाई लोग मान लेंगे इस बात को, और अदरवाइज कोई भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। जातीय सर्वे पर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों ने भाई तो पूरे ऑल इंडिया में क्यों नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग तो गए थे, सर आज करवा लिया जाए, कल रखी जाएगी इसकी चर्चा होगी, वो सारी चर्चा यहाँ होगी। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे विपक्ष के कपड़ा उपड़ा फाड़ करके अभद्र व्यवहार न करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर, पांच राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण की वोटिंग भी होगी, क्या कहना है आपका? पता हासिल करके हम लोग सब आएंगे यहाँ, मैं भी आज जा रहा हूँ और फतह होगी, जनता की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड की हार होगी, झूठ का पर्दाफाश होगा। बघेल सरकार पर महादेव बेटिंग में आपका असर पड़ेगा क्या? कुछ भी कर लें, पांचों राज भारतीय जनता पार्टी, एक दो राज उनके पास है, वापस नहीं आ सकते। आपने सुना कांग्रेस विधायक शकील अहमद को किस तरीके से चैलेंज करते नजर आए भाजपा को कि वो क्यों नहीं खुद ही पूरे देश में जातीय सर्वे करा लेते हैं ताकि उन्हें भी संतोष हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेता सभ्य तरीके से बिना कपड़ों को फाड़े सवाल करते हैं तो उनके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही शकील अहमद ने दावा किया है कि पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी की जीत होनी तय है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए शकील अहमद, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।